हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वंस अगेन हेयर। तो आज हम यहाँ पर क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम प्रीवियस क्लास में अटेंड कर चुके हैं। तो आइए आज का वहाँ स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, Q does not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। इस क्वेश्चन में पूछा है क्या आप यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो P upon Q की फॉर्म में हो और Q क्या हो, does not equal to 0 हो, और P और Q कैसे होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और दोनों ही नंबर्स के बीच में केवल 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और वो किसको रिप्रेजेंट करते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हो। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। मैंने लिखा 2/5। अब यहाँ पर आप देखेंगे P upon Q दोनों ही इंटीजर्स हैं और यहाँ पर 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, केवल यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यानी कि इस कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब इसने कहा एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है, ये देखना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। तो ठीक है, डिवाइड करते हैं। जब हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब 5 से 20 के टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स ये मिल गई। ये क्या हो गया इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक अंतर एग्जांपल ले लेते हैं, 5/2। अब यहां पर देखेंगे पी और क्यू के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। उसे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स टेबल जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद 0 इंक्रीज कर लेंगे, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, कितना टाइम्स गया, 2.5 टाइम्स। एक अनदर एग्जांपल लेंगे, 3/5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है 1 के अलावा, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब इसका क्या निकालना हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंट करेंगे, कितना टाइम जाएगा, टेबल नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 इंक्रीज हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्यों है, क्यों मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने यहाँ पर कहा है कि जो क्यों है वो केवल एक ही कंडीशन पर टर्मिनेट डेसिमल होगा यदि उसका डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 हो या 2 या 5 का कोई मल्टीपल हो, वो तभी क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक अनदर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, 10/3। मैंने यहाँ पर उसका जो डिनोमिनेटर लिया है, देखो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, कोई इनका कॉमन फैक्टर भी नहीं है, बट जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3.333 क्या होगा, 3 का रिपीटेशन होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 बार। आप यहाँ पर देख रहे हैं ही एक नंबर पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है और दोनों क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पी अपॉन क्यू इंटीजर्स हैं और यहाँ पर दोनों का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, बट इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्योरिंग। तो ये नंबर हमारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो हमारे क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन हो कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। तो आपको यहाँ पर ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि आपको ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग।
तो यहाँ पर आपको तीन ऐसे नंबर लिखने हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14159... समथिंग। ये एक ऐसा नंबर है जो इसकी कोई भी एक डिजिट अभी तक हम उसका ये कह सकते हैं कि इसके लास्ट डिजिट अभी तक हम हमारा साइंटिस्ट भी नहीं खोज पाए हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का एक ये। एक अनदर नंबर ले लेते हैं अंडर रूट 2। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.414 कुछ अराउंड जाती है। एक अंदर एग्जांपल लेकर चलते हैं अंडर रूट 3। फिर से मैंने यहाँ पर एक अंदर प्राइम नंबर लिया है अंडर रूट के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर होगा। तो उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं 1.732... अब आप ये बात कहेंगे सर ये नंबर्स कैसे हैं, आप कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर हमें किसी भी अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है तो हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 की। तो अब हमें टेबल पढ़ना है, इसकी कंडीशन होती है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा आई थिंक। तो यहाँ पर जो भी नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा मुझे उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर में करनी होगी। तो 2 2 4 ज़्यादा हो रहा है तो मैं 1 टाइम्स में लिखूंगा 1 × 1 डेट इज 1। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है डबल हो जाती है, 1 की वैल्यू डबल कितना हो गया 2, माइनस करेंगे कितना हो गया 1, पॉइंट लगा लेंगे 00 इंक्रीज हो जाएगा, 00 यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो अब मुझे जो नंबर यहाँ पर लिखूंगा सेम प्रोसेस मुझे वो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं 4 टाइम्स टेबल पढ़ूंगा 24 4 96, इसका डबल करेंगे केवल लास्ट डेट का 4 2 8, कितना बचा है यहाँ पर 4, पॉइंट लगा हुआ है 00 फिर इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कितना टेलूंगा 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 281। ऐसे ही इसको हम फॉलो करते चले जाएंगे और आपको ये नंबर ऑफ डिजिट्स मिलता चला जाएगा। आप आई होप समझ गए होंगे, इस फर्स्ट को फॉलो आगे तक करते चले जाइए, आपको नंबर ऑफ एक्सपेंशन मिलता चला जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और अलग अलग नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.1001001000... मैंने यहाँ पर क्या किया देखो जरा, मैंने कोई भी नंबर लेट कर लिया, मुझे क्या करना है मुझे नंबर ऑफ रिपीटेशन बचाना है। तो मैंने क्या किया एक बार 10 फिर 00 फिर 000, मैं कोई भी ऐसे एग्जांपल लिख सकता हूँ। एक अनदर एग्जांपल लेंगे 0.11223 तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है और जो 3 है हमारा ये 4 टाइम्स है। तो ये भी कैसे नंबर होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर्स। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। हमसे पूछा है इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर दिए हैं उसको मैं लिख लेता हूँ 5/7 और दूसरा है 9/11। सबसे पहले मैं इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे 50 को 5 को, टेबल नहीं जाएगा नंबर छोटा है, पॉइंट लगा लेंगे 0 इंक्रीज कर लेंगे 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज कर लेंगे 7 1 7, कितना रिमाइंडर बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज कर लेंगे 7 4 20 8, कितना रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0 इंक्रीज कर लेंगे 7 2 14, रिमाइंडर 6, पॉइंट लगा हुआ 0 इंक्रीज करेंगे 7 8 56, रिमाइंडर कितना 4, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे 7 5 35, कितना रिमाइंडर बचा 5। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा वही नंबर आ गया जिस नंबर को हम लेकर चले थे। तो इसमें क्या होगा, ये नंबर फिर अपने आप को दोबारा से रिपीट करेगा। तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा 0.714285। सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, 11 से डिवाइड करना है 9 को, हम जानते हैं डिवाइड नहीं जाएगा,
पॉइंट लगा लेंगे, जीरो इंक्रीज कर लेंगे, 11 8 88, कितना बचा रिमाइंडर 2, पॉइंट लगा हुआ जीरो इंक्रीज कर लेंगे, 11 1 11, कितना बचा 9। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर है वही आगे जो हम इसको पहले लेकर चले थे, इट मीन्स क्या होगा ये नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस प्रकार हमने दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर और ये नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे, यानी कि कैसे नंबर हैं दोनों, ये हमारे रेशनल्स नंबर हैं, और कैसे एक्सपेंशन इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर रेशनल्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा देख रहा हूँ कि 71 से लेकर 81 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बस मुझे क्या ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अपने आप का रिपीटेशन ना करता हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे कि देखिए 0.71, इससे आगे डिजिट 4, तो 4 के अलावा कुछ लिख सकता हूँ 5 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। अनदर नंबर लिख सकते हैं 75 6 1 2 5 7 4 डॉट डॉट सो ऑन। अंदर नंबर लेते हैं 79 78 77 76 डॉट डॉट सो ऑन। तो आप इस प्रकार कोई भी ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हो। तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन को सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं वो रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पर आप एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है अंडर रूट 23। आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो मैंने उसको क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग नंबर्स कहा था ना हमने यहाँ पर, देखिए एग्जांपल्स में। तो ये नंबर कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन से नंबर लिखे थे, यहाँ पर इरेशनल लिखे थे, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इरेशनल नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। सेकेंड वन अंडर रूट 225, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, और 15 टू टाइम्स हो गया, तो विदाउट अंडर रूट कितना आ जाएगा 15। 15 कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ऐसी एक थर्ड पार्ट है 0.3796, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है अपने आपका, साफ दिख रहा है कोई नंबर रिपीटेशन नहीं है क्योंकि बार नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट 7.478478, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर 478478 अपने आपको रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 478 बार। और हमने अभी इसी एक्सरसाइज के अंदर पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर के ऊपर बार लगा हो उसको हम पीपोन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, करें हैं हमने ऐसे क्वेश्चंस, हाँ, तो ऐसे किसी भी नंबर को हम पीपोन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। एंड द लास्ट वन 5, ये दिया हुआ 1.10100001000401। हम यहाँ पर देख रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000 and .. यहाँ पर किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। आई होप आज की क्लास आपने
एंजॉय की होगी और आप मैं आपको समझाने का मैंने पृथक प्रयास किया है। और आई होप अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।